नगर निगम के तमाम पार्षदों के सहयोग से खरीदे गए ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बिना जानकारी के बीजेपी पदाधिकारियों व जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में जेएलएन अस्पताल प्रशासन को सौंपने पर कांग्रेस पार्षदों ने नाराजगी व्यक्त की है। नगर निगम के कांग्रेस पार्षदों का कहना है कि बीजेपी द्वारा बेवजह वाहवाही लूटी जा रही है, जबकि सभी के सहयोग से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर निगम फंड से खरीदे गए थे, लेकिन इसके बावजूद भी नगर निगम के उपमहापौर व प्रशासन द्वारा बिना कांग्रेसी पार्षदों को जानकारी दिए भाजपा पदाधिकारियों व जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में जेएलएन अस्पताल व मेडिकल कॉलेज प्रशासन को सौंप दिए गए। इसके विरोध में आज नगर निगम में प्रदर्शन किया गया और इस तरह की गलती दोबारा ना हो इसे लेकर कमेटी गठित करने की मांग की गई, जिससे कि वह बीजेपी की ओर से हो रहे भेदभाव पर नजर रखे और सभी को समान रूप से समझते हुए मौका दिया जाए। आज नगर निगम में विरोध है इस बात का है कांग्रेस पार्षदों की तरफ से कि हमारा जो हमने फंड दिया था विकास फंड में से ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर खरीदे थे और उस ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर को खरीदा तो विकास फंड से था, लेकिन उन्होंने बीजेपी वालों को बुलाकर और हमारे महापौर को भी नहीं बुलाया और बीजेपी वालों ने बीजेपी को बुलाकर वो कंस्ट्रक्टर दे दिए गए। हमारा विरोध ये है कि अगर हमारे विकास फंड से खरीदी हुई कोई चीज़ है तो हमें इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, हमें बुलाना चाहिए तो कि भाई आप लोगों के जो कंस्ट्रक्टर खरीदे गए थे वो दिए जा रहे हैं, हमें ऐसी कोई सूचना नहीं दी गई है। हर बात में इस तरह से यहाँ पर नाइंसाफी हो रही है, पार्षदों के साथ भेदभाव हो रहा है। पूर्व में भी यहाँ विश्व पर्यावरण दिवस पर भी हस्ताक्षर अभियान किया गया था, उस दिन भी बीजेपी के पार्षदों को बुला लिया गया था, तो इस तरह से पार्षदों के साथ भेदभाव करना कहाँ का न्याय है। तो हमारा विरोध यही है कि सभी पार्षदों को एक समझा जाए और पार्षदों का अगर कोई काम हो तो यहाँ से सूचना जानी चाहिए, वो कोई सूचना नहीं जा रही है। अधिकारियों का कोई अता पता नहीं है, यहाँ पर कमिश्नर साहब छुट्टी पर है उनका कोई पता नहीं है कब क्या काम करते हैं, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस कमिश्नर की वजह से भी हमारे यहाँ अव्यवस्थाएँ हो रही है, क्योंकि वो छुट्टी पर चले जाते हैं ना अपने अधिकार देख के जाते हैं। अब एडीए के पास है, एडीए वाले कमिश्नर के पास कौन जाए, उनको यहाँ बैठना चाहिए ना आके, यहाँ कोई कमिश्नर भी नहीं है। अब महापौर जी से कही तो वो भी नहीं है, तो इस तरह से बहुत सारी विडम्बनाएं अभी नगर निगम में चल रही है। तो हम ये चाहते हैं कि ये सारी विडम्बनाएं खत्म हो और हमारी सरकार जो गहलोत साहब इतना अच्छा काम कर रहे हैं वो जनता तक सारा काम जाना चाहिए और जनप्रतिनिधियों के द्वारा वो काम होना चाहिए। मैं द्रौपदी कोहली, पार्षद नगर निगम अजमेर। खबर की हो सत्यता हो या खबर की अनकहीं दास्ता, होगी सच्चाई की वापसी। SKV न्यूज़, सच्चाई की वापसी।